एप्पल कंपनी के फोन्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फोन्स हैं, जिनकी खसूसियात और मुनफरदपन की वजह से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग ये फोन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं। आईफोन की जितनी डिमांड है उसकी चोरी भी उतनी ही ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस शामिल किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चोर इसका पासकोड खोलकर आपके जरूरी डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि चोर रिकवरी की में जाकर आपके पासकोड को तब्दील कर देते हैं और फाइंड माय फोन का ऑप्शन बंद कर देते हैं, जिससे आप कभी भी अपने फोन को ढूंढ नहीं सकते। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आईफोन के कुछ सार्फीन ने शिकायत की है कि फाइनेंशियल एप्स के जरिए उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हैक हो चुकी हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि चोरों से अपने आईफोन के डेटा को बचाया जा सके। चोरों से अपने आईफोन के डेटा को बचाने के लिए पहला उठाया जाने वाला कदम अपने पासकोड की हिफाजत करना है। एप्पल कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि सार्फीन को चाहिए कि जब वो अपने फ़ोन को खोलें तो फेस आईडी या टच आईडी से खोलें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके पासकोड को नहीं देख सकेंगे। फ़ोन का डेटा कुछ हद तक महफूज रह सकता है। उन्होंने कहा कि सार्फीन अगर पासकोड लगाना चाहते हैं तो वो लंबे और मुश्किल तरीन पासकोड का इंतखाब करें, ताकि आईफोन चोरी होने की सूरत में आसानी से खोला ना जा सके। अगर किसी सार्फ को शक हो कि उसके पासकोड पर किसी की नज़र पड़ गई है तो वो फौरन ही अपना पासकोड तब्दील करे। स्क्रीन टाइम लगाकर भी अपने डेटा को महफूज बनाया जा सकता है। आप सीक्रेट टाइम से तमाम एप्स को लॉक कर सकते हैं। सार्फीन अपनी डिवाइस को रोजाना की बुनियाद पर बैकअप करके भी अपने डेटा को महफूज बना सकते हैं। आईफोन का बैकअप आईक्लाउड और आईट्यून्स से बनाया जा सकता है, ताकि डिवाइस चोरी होने की सूरत में डेटा को रिकवर किया जा सके, जबकि सार्फ बैकअप की मदद से चोरी होने वाले डिवाइस से डेटा भी खत्म कर सकता है।